हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों। साल 2015 में मराठी में गैंगस्टर्स से पॉलिटिशियन बन चुके अरुण गोविल के लाइफ के ऊपर एक फिल्म आ चुकी थी, दगड़ी चाल उसका नाम था। इस फिल्म में अंकुश चौधरी, पूजा सावंत और मकरंद देशपांडे आदि कलाकारों ने काम किया था, जो कि 2015 की सुपरहिट फिल्म साबित हो चुकी थी। इस फिल्म के आइकनिक रोल डैडी के किरदार के लिए मकरंद देशपांडे को बहुत सारी सराहना मिली थी, बहुत सारा लोगों से प्यार भी मिला था। ये फिल्म मुंबई के पावरफुल प्लेस दगड़ी चाल के पावरफुल पर्सन अरुण गोविल के लाइफ के ऊपर बेस्ड थी, जिसे लोग प्यार से डैडी भी कहते थे। 7 साल बाद इस फिल्म के मेकर्स इस फिल्म का सीक्वल प्लान कर रहे हैं। उसी कास्ट मेंबर के साथ में वही डायलॉग फिर से गूंजेगा, चुकीला माफी नहीं। हालांकि कुछ दिनों पहले एक्टर अंकुश चौधरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे इस फिल्म का टीजर लॉन्च कर दिया था। फिल्म के इस टीजर में मकरंद देशपांडे का डार्क अवतार देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और डेडली लुकिंग वाला दिख रहा है। ये टीजर लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ चुका है, क्योंकि लोग गैंगस्टर बेस्ड ड्रामा वाली फिल्मों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसा है क्या? नहीं, लोगों को मदद करना, सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देना और लोगों के ऊपर हो रहे अत्याचार पे अपनी जवाबदेही दिखाना, इस तरह से लोगों को उनके प्रति जो प्यार लगता है वो इस प्रकार से दिखता है। सर पे सफ़ेद गांधी टोपी, शरीर पे सफ़ेद कुर्ता पायजामा और नज़र में वही तेज अंगार। देखने में साधारण सी शरीर दृष्टि वाला आदमी, जो मुंबई के इतिहास का एक ऐसा शख्स बना जब देश के सब गुंडे गैंगस्टर देश को छोड़ के भाग चुके थे, तब मुंबई के मराठी लोगों के पीछे जो पहाड़ बन के खड़ा रहा और उनके ऊपर होने वाले अत्याचार को जिसने अपनी भाषा में जवाब दिया, थे अरुण गुलाब गवळी, जिन्हें लोग प्यार से दगड़ी चाल के रॉबिन हुड भी कहते थे। इसी किरदार के इर्द गिर्द घूमने वाली स्टोरी को लेकर चाल ये फिल्म बनाई गई थी, जो कि 2015 की सुपरहिट फिल्म साबित हो चुकी थी। मंगलमूर्ति फिल्म्स और संगीता आहिर इस फिल्म के प्रोड्यूसर है। इस फिल्म के डायरेक्टर है चंद्रकांत कंसे। ये फिल्म 18 अगस्त 2022 को थिएटर में रिलीज होने वाली है। टीजर बहुत ही धमाकेदार है। तूफान पर रही बारिश में नजरों में अंगार लिए खुले आसमान की तरफ देखने वाले मकरंद देशपांडे का लुक फिल्म को बहुत ही दिलचस्प लुक दे रहा है, जबरदस्त हाइप बना रहा है। दगड़ी चाल टू इस फिल्म के टीजर को रिव्यू करते हुए अगर मुझसे कुछ रह गया हो या इस वीडियो के बारे में कुछ बताना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दो। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि डैडी कह के गए हैं चुकीला माफी नहीं।